Hello everyone, welcome to the selection classes. One of the beautiful question, this is a triangle और जो यहाँ पे values लिखी है they represent the particular area of that part. Now what we have to do actually, we have to find the area of the complete triangle. So if you want to try, you must pause the video and try which way you want to go for. But ultimately I'll tell you the easiest way, but उसके लिए आपको concept आना चाहिए. That is a mass point geometry or how to balance the weights. तो इसको हम balance of weights भी बोल सकते हैं. उसको हम मैं एक बार सिखाने का कोशिश करता हूँ, उसके बाद इस question को आप ratio से solve कर दोगे. तो balance of weights का मतलब क्या है? For example, हमारे पास एक line है, ना? एक आपने seesaw झूला देखा होगा. अगर आपने seesaw देखा होगा तो दो person बैठते हैं और बीच में एक value यहाँ पे होती है ऐसे, ठीक है, ये होता है. मेरा जो बैलेंस ऑफ वेट का कंसेप्ट है कि अगर यहाँ पे 10 केजी आदमी बैठा है और यहाँ पे मान लो 15 केजी का एक बच्चा बैठा है, तो इनकी लेंथ का रेशो क्या होगा? यही सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये जो लेंथ है ए से बी और ये जो ओ पॉइंट है, तो ए ओ और ओ बी का लेंथ क्या होगा? अगर आपको ये निकालना आ जाएगा तो ये क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं. तो मेरा जो मतलब एक तरीके से कंसेप्ट है वो ये है कि लेंथ का जो रेशो होगा वो इस तरह से होना चाहिए कि दोनों चीज़ें बैलेंस होनी चाहिए. दोनों चीज़ें क्या होनी चाहिए? बैलेंस होनी चाहिए. तो बैलेंस करने के लिए हमेशा तो AO और OB का जो वेट है या जो लेंथ का रेशो है, देखो वेट जो इधर है उसको इधर की तरफ लेके आ जाओ 10, और जो 15 इधर है उसको इधर ले आओ. बस यही कंसेप्ट है, इसके अलावा कोई कंसेप्ट नहीं है. आपको वेट को इधर से उधर ट्रांसफर करना है जो पॉइंट कनेक्टेड करता है उसके एडजेसेंट में. तो ये 15 हो जाएगा, मतलब ये जो लेंथ है वो 2 और 3 के रेशियो में होनी चाहिए. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है. अच्छा, एक चीज़ और मैं जानना चाहूँ आपसे कि अगर हम यहाँ पर ओ पॉइंट पर टोटल वेट चेक करना चाहता हूँ, टोटल कितना हो ओ पॉइंट पर, ओ पॉइंट पे जो टोटल वेट है वो कितना है? तो भैया ये जो वेट है ना इसके साइड में 10 और 15, तो विल बी अज्यूमिंग कि ओ पॉइंट पर उतना ही वजन है जो इसके पेन पे है. तराजू देखा ना आपने, जब आप तराजू को ऐसे पेन करते हैं उसमें वजन करते हैं तो हम यहाँ से चीज़ों को पकड़ते हैं. तो ये जो वेट है, ये जो टोटल वेट है W1 और W2, उतना ही वेट एक्चुअली इस पर्सन को उठाना पड़ता है ऐसे. तो सेम काम यहाँ पे हो रहा है कि 10 kg और 15 kg, मतलब यहाँ पे टोटल 25 kg है. हाँ, वी हैव 25 kg. सो दिस इज सुपर इम्पॉर्टेंट कि ओ पॉइंट पर 25 kg कैसे आएगा, इनको प्लस करके आएगा 10 और 15 को. होपफुली इतनी बात आपको समझ में आई होगी. एक दो क्वेश्चन करा देता हूँ, उस पर हम डायरेक्ट आ जाए, ठीक है. पहले हम रेशियो पे बात करते हैं, ट्राइंगल में हम कैसे यूज कर सकते हैं इस प्रॉपर्टी को. फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक ट्राइंगल है, वी हैव अ ट्राइंगल ABC, और इस ट्राइंगल के अंदर आपने कुछ इस तरह से ये साइड दे रखे हैं और मुझे कुछ रेशो दे दिया. फॉर एग्जाम्पल, ये रेशो 3 और 2 का दे दिया और ये रेशो 4 और ये रेशो आपको फॉर एग्जाम्पल लाइक 4 और 3 का दे दिया, ठीक है, 4 और 3 का. तो आपको कोई भी दो साइड के या कोई भी रेशो पता है तो आप सारी चीज़ों को या सारे रेशो कैलकुलेट कर सकते हैं. इसी को बोलते हैं बेसिकली बैलेंस ऑफ वेट्स या फिर मास पॉइंट ज्योमेट्री बोलते हैं. अब देखो मेरी बातों को ऑब्जर्व करना शुरू करो, मैं क्या क्या बोल रहा हूँ वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है. तो सबसे पहले ये जो लेंथ है इसको इधर ट्रांसफर कर दो, मतलब यहाँ पे 3 kg पॉसिबल है ना. और ये जो वेट है इसको यहाँ ले आओ, ये 2 हो जाएगा, मतलब इधर 2 kg है इधर 3 kg है, तो बीच में अभी 5 हो जाएगा क्योंकि इस वाली लाइन पे भाई ये जो लाइन खींच लो. अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप कह रहे हो सर ये जो लेंथ है 3:2 है, तो मैंने क्या बताया था, ये वाली वैल्यू इधर आ जाएगी और ये इधर आ जाएगी. तो यहाँ पे आप 3 अज्यूम कर लो, यहाँ पे 2 अज्यूम कर लो, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा. समझ में आता है? अच्छा, अगर मैं इस वाली लाइन को देखता हूँ तो ये 4 जा रहा है, और 4 क्यों जा रहा है, दूसरे कलर से देखो बनाने की कोशिश करता हूँ मैं. ये 4 इसलिए जा रहा है क्योंकि ये इसको 4 दे रहा है इधर से, और ये भाई साहब 3 वाला इसको देगा 3. बात क्लियर हो गई? इसका मतलब ये 3 है, ये 4 है. तो अगर मैं इस वाली लाइन को देखता हूँ, इस वाली लाइन को ये भी ओ पॉइंट मान लेता हूँ, ये भी ओ पॉइंट है, ठीक है, ये 4 दे रहा है यहाँ पे, ये 3 है, ठीक है, ये 3 है 4, यहाँ पे 7 आएगा. और इस वाली लाइन को देखता हूँ तो यहाँ पे ये बोलता है इस वाली लाइन के अकॉर्डिंग, तो इस वाली लाइन के अकॉर्डिंग यहाँ पे 5 आना चाहिए, ये तो पंगा हो गया. कैसे? एक तरफ तो कह रहा मुझे 5 kg का वेट चाहिए, एक तरफ कह रहा मुझे 7 kg का वेट चाहिए. मैंने बोला झगड़ा क्यों करना है, दोनों का एलसीएम लेते हैं और बराबर कर देते हैं, यही कंसेप्ट, ठीक है. अब मैंने क्या किया,
व्हाट आई डिड एक्चुअली, तो हमने क्या किया यहाँ पे, जो ये 7 वाला है तो वर्टिकल है और ये हॉरिजॉन्टल वाला 5 है, तो यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है। मैंने आपको क्या किया कि यहाँ पे 5 है, हॉरिजॉन्टल 5 दे रहा है, तो आप वर्टिकल को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 से तो क्या फ़ायदा हो गया, टोटल 15 और 20 35, मतलब जो इसका वेट है इसको मल्टीप्लाई कर दो, जो इसका वेट है वो इसको मल्टीप्लाई कर दो, वेट बैलेंस हो जाएगा बेसिकली। अब यहाँ पे हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 टू जा 14 और 7 थ्री जा 21, खत्म हो गया। देखो ये भी 21 और 14 कितना हो गया, बीच में 35 हो गया मल्टीप्लाई करके, और यहाँ से देखेंगे 15 और 20 35, वेट बैलेंस हो गए, बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे देख पाता हूँ तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे 15 वेट आ गया। क्यों आ गया 15, क्योंकि इन दोनों का सम यहाँ पे 15 है, और यहाँ पर जो है, यहाँ पर इस वाले केस में मैंने इसको 5 से मल्टीप्लाई करा, इसको हमने 7 से मल्टीप्लाई करा, ठीक है। तो फाइनली अगर हम इस फिगर को एक मतलब छोटा सा फिगर मैं इसको दोबारा बना पाऊँगा, सो दैट मैं थोड़ा सा आपको जो बताना है अल्टीमेटली साइड रेशियो, ठीक है। तो हमने किया क्या, ये फाइनल जो इसका पिक्चर है वो कैसा आएगा, फाइनल पिक्चर इसका ऐसा आएगा सर, ये और ये, ठीक है। ये देखिए आपने यहाँ पे 15 वेट कर दिया, यहाँ पे ये वेट 20 हो गया, यहाँ पे वेट ये 14 हो जाएगा, और यहाँ पे जो वेट है ये 21 हो जाएगा। दोनों ही केस में जोड़ के देखो बीच में 35 आ रहा है, 21 और 14 35, और 20 और 15 बीच में 35, बिल्कुल क्लियर होगी बैलेंसिंग। अच्छा अब बीच में अगर यहाँ पे 21 है, मैंने बताया था बीच वाला जो वेट होता है वो इन दोनों का सम बराबर होगा, तो इस वाली लाइन पे अगर मैं चलता हूँ, बीच में 21 है, यहाँ 20 है, तो यहाँ पे आपको 1 वेट लगाना पड़ेगा, देखो यहाँ भी बैलेंस हो गया, 14 और 1 मिला के कितना आ गया 15 आ गया। तो ठीक है, अगर मुझे मान लो ये रेशो निकालना है, कोई सवाल आपसे बोल दे कि ये वाली लेंथ का रेशो कितना होगा, सो वेट को उठा के यहाँ ले आएंगे 20, और इस वेट को यहाँ ले आएंगे, इसका मतलब ये जो रेशो है ये 1:20 का हो जाएगा। तो यही कंसेप्ट है, इसके अलावा कोई कंसेप्ट नहीं है, इसी को आपको मास्टरी करनी है, ठीक है। आप मैं एक दो क्वेश्चन जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है सिलेक्शन क्लासेस, आप वहाँ ज्वाइन हो जाना, मास्टर जो बैठी है, एक दो क्वेश्चन मैं वहाँ पोस्ट कर दूंगा या फिर आने वाली वीडियोस में डाल दूंगा, इस क्वेश्चन पे चलते हैं क्योंकि ये वीडियो अल्टीमेटली इसी के लिए बनाई गई है, ठीक है। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बस एक चीज़ और बता दूँ, वैसे ज़रूरत है नहीं बता ही देता हूँ, मतलब वो इम्पोर्टेंट है कि जिस रेशो में बेस डिवाइड होता है, हाँ अगर आपके पास ए बी सी ट्राइंगल है और आपने ए वर्टेक्स से कोई भी एक रैंडम डी पॉइंट आता है, कोई भी रैंडम, तो एरिया जो है वो दो पार्ट में डिवाइड होगा, ए वन ए टू। तो कंसेप्ट ये होता है कि जिस भी रेशो में बेस डिवाइड होगा उसी रेशो में एरिया भी डिवाइड हो जाएगा, मतलब ए वन और ए टू का एरिया वही होगा जो इनके बेस का एरिया है, ये भी एक कंसेप्ट है, ठीक है। अब हम इस कंसेप्ट को दोनों को यहाँ पे यूज करते हैं, बहुत ईजी है, मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है। मैं इसको उठा के साइड में कर देता हूँ, अरे ये भी टच हो गया, इसको हमको टच नहीं करना, ये क्यों टच हो रहा है, ये तो फिक्स हो गया, इसको हम डिलीट ही करना पड़ेगा, ठीक है डिलीट कर देता हूँ। अब हम इस क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन बड़ा इजी है, देखो हमें देखो सबसे पहले तो आप ये सोच के देखो कि यहाँ पे जो एरिया है वो 120 और 90 है, तो इसका रेशियो कितना होगा, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे जो बेस का रेशियो होगा जिस रेशियो में एरिया उसी रेशियो में बेस, तो 3 4 3 4 मतलब 3 4 और 3 3 9, मैं इसकी नेमिंग कर लेता हूँ, इसको डी मान लेता हूँ, इसको ई मान लेता हूँ, इसको एफ मान लेता हूँ, डी है, ठीक है। तो बी डी और डी सी का जो रेशियो है वो 4:3 आ जाएगा, आप इसको बना भी सकते हैं यहाँ पे डी डी और सी, ठीक है 4:3 आ गया। तो अगर मैं वेट ट्रांसफर करूंगा तो इसका वेट कितना आएगा, लेंथ को वेट बना दो, वेट को लेंथ बना दो, कुछ भी कर सकते हैं आप, ये इसका मतलब यहाँ पे 4 और 3 आएगा, तो वाइट कलर से 4 और 3 इधर आ जाएगा, 4 इधर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल कहीं से कहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा अब एक चीज और नोटिस करनी है, अच्छा एक और एरिया अगर मैं नोटिस करवा पाता हूँ आपको, ये वाला एरिया, ये देखो ये दिख रहा है, इसमें भी मैं बेस एरिया लगा सकता हूँ, कैसे लगाएंगे, आपने इसको ऐसे बना दिया और यहाँ से ये वाला एरिया 105 है
और ये टोटल एरिया 210 हो गया, ये पॉइंट ओ है, ये बी है, ये ई पॉइंट है, ये सी पॉइंट है। इसका मतलब ये जो रेशो है बेस का ये 1:2 हो जाएगा, क्यों? क्योंकि 105 दूनी 210, तो ये जो रेशो है ये 1:2 हो गया, ठीक है, 1:2। तो ये कितना वेट ट्रांसफर करेगा बी को? यहाँ से बी का जो वेट आएगा वो 1 आएगा, तो यहाँ पे 1 आएगा, और यहाँ से जो बी का वेट आएगा मतलब ई पर आएगा वो 2 आएगा, ठीक है। अब मैं इस वाली लाइन को ही बना देता हूँ, आप सोच के देखो बस, कर बहुत ईजी है। तो यहाँ पे बी का कितना वजन आया इसकी वजह से, 1 यूनिट, और यहाँ पे कितना आ गया, ई पर 2 यूनिट। लेकिन बी पर ऑलरेडी आप 3 तो फिक्स कर चुके हो ना, यहाँ पे 1 फिक्स कर दिया, तो 3 और 1 का एलसीएम कितना होगा, 3 होगा। इसका मतलब दोनों में हम कॉमन मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मल्टीप्लाई करेंगे, देखो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और इसको तो हम 1 से ही करेंगे, तो ये तो एज इट इज रहेगा। तो यहाँ पे टोटल वेट कितना हो गया, 3 और 1 4, यहाँ पे 7 आ जाएगा। डी पर कितना वेट आ गया, 7, डी पर तो 7 वेट आ गया। यहाँ कितना वेट आ जाएगा, यहाँ पर 3 है, यहाँ पे 6, मैं 3 और 6 6, ठीक है, तो यहाँ पे कितना वेट आ जाएगा, 9 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 9, 3 और 6 9, मतलब ओ पे 9 वजन है, ओ पे कितना है वेट, 9। दूसरा कलर लेता हूँ सो देट आप देख पाओ इसको, ठीक है, ओ पर है वेट 9, ठीक है, यहाँ पर कितना वेट आ गया फाइनली, 3 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया, ठीक है, ये 9 हो गया। और अगर मैं रेशो लेंथ की बात करता हूँ, हाँ लेंथ कितनी होगी ओ ई की, तो यहाँ पे 3 चला जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6, जो फाइनल वेट होता है वही लेंथ का रेशो होगा। इसका मतलब ये जो लेंथ है ये 3 हो जाएगी, क्योंकि इधर 3 वजन है, और ये आपके पास 6 हो जाएगी, दैट वुड बी 6, क्यों, क्योंकि टोटल वजन 9 है, ठीक भाई, ये 3 हो गया, तो यहाँ पे कितना वजन है, ये पे 6 है ना, 6 वजन है, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब सोच के देखो, यहाँ पे 4 वेट हो गया, यहाँ पे 6 हो गया, तो ए पे कितना वजन आएगा, जो दोनों का मिला के बीच में आता है, तो ये 4 है, ये 6 है, तो यहाँ पे 2 आना चाहिए, बिल्कुल सही बात है सर, तो 4 और 2 मिला के 6 हो गया। यहाँ पर 3 है बी पर, और यहाँ पे इस वाली लाइन को देखना आप, तो यहाँ पे 3 वजन है और यहाँ पे 2 वजन है, तो लेंथ का रेशो कितना जाएगा, ये वाली जो 3 वाली लेंथ है इधर चली जाएगी, और ये वाली जो लेंथ है ये 2 इधर आ जाएगी, ठीक है। इसका मतलब ये जो बी एफ की लेंथ है और एफ ए की लेंथ है ये 2:3 है, 2:3, और अगर मैं इसको देख पाता हूँ ये लेंथ 2 हो जाएगी और ये लेंथ 4 हो जाएगी, मतलब सी की लेंथ और ए की लेंथ, सी जो है वो 2 हो जाएगा और ए 4 हो जाएगा, 2:4, मतलब 1:2, तो समस्या सॉल्व हो गई। कैसे सॉल्व हो गई समस्या, देखो जिस रेशो में बेस डिवाइड है उसी रेशो में एरिया डिवाइड, यही कंसेप्ट बताया था। तो अगर ये रेशो आपका 1 और 2 का हो गया तो एरिया भी इसका मतलब 1 और 2 का चला जाएगा, तो ये अगर 105 है तो दूसरा कितना होगा, 210 हो जाएगा, क्योंकि 1:2 मेंटेन करना है सी और ए का, सी और ई का 1:2, क्योंकि 2 से 4 हो गया तो एरिया भी डबल हो जाएगा, इसका मतलब एक्स की वैल्यू 210 आ जाएगी। होपफुली इट इज क्लियर। अब मैं वाई को देख लेता हूँ, वाई यहाँ पे 3:2 है, और 3 का मतलब है भाई, 3 का मतलब, हाँ वाई की वैल्यू अगर मैं देख पाऊंगा, यहाँ पे ट्राइंगल बना देता हूँ, ये देखो ये 252 है, ये वाई है 3:2 है, तो 3 को आप बोलते हो 252, तो 3 8 24 3 4, तो वाई की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज वाई इंटू, वाई की वैल्यू 2 है, मतलब 2 यूनिट्स है, तो 2 × 84 168, तो वाई 168 हो गया, मतलब रेशियो मेंटेन करना। अब एक्स भी निकल गया, वाई भी निकल गया, फाइनल आंसर आपके कदमों में पड़ा है, कितना आंसर है फाइनल चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो टोटल आपको निकालना था 252, तो पहले से है ही है, वाई की वैल्यू 168 आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई 210, और ये भी नीचे 105, और ये 120 प्लस 90, ठीक है, बस हो गया 120 और 90 210, और 210 420, और इनको चेक करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 252 और 25 16 41 और 42, 420 प्लस 420 प्लस 105, तो 945 यूनिट स्क्वायर, हाँ स्क्वायर यूनिट, ये सवाल का राइट आंसर है। तो ये जो क्वेश्चन था, अब मुझे तो नहीं पता कि आपको क्या कमेंट करोगे कि सर हम इससे अच्छा छोड़ देते इस क्वेश्चन को, या फिर हम अटेम्प्ट ना करते,
बट यदि आप मैथ सीखना चाहते हैं तो थोड़ा सा इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट डेवलप करिए, हाउ टू टैकल द प्रॉब्लम, बिकॉज ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं एग्जाम में हो सकता है ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट आपको लग सकता है, बट यही ईजी फॉर्म में आ जाए तो आप इसको कर सकते हैं इजीली, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए कंसेप्ट के साथ में। टिल देन अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, कोई सजेशन या फीडबैक है तो ज़रूर आप मुझे कमेंट करिए। सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय, टेक केयर।